ठीक है, तो क्वेश्चन सब करते रहो, उसका डिस्कशन हम लोग सोमवार को करेंगे, क्योंकि आज और कल में इसको खत्म करना है। फिर नेक्स्ट वीक से जो तुम लोग का क्लास चलेगा उसमें सिस्टम शुरू करना है, तो आर बैच वाले भी साथ में करेंगे, तो इसलिए तो आर बैच का कहां तक हो चुका है? आर बैच में तो वही SHM, वेव और ये ग्रेविटेशन बच रहा है, 3 चैप्टर। तो अभी क्या चल रहा है लोगों का? हीट थर्मोडायनेमिक्स से सब खत्म हो गया। सर फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है? हाँ, हीट KTG, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स ये सब था, तो सब खत्म हुआ। उससे पहले फ्लूइड ये सब हुआ था। इसके पास ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन उन लोग का छूटा हुआ था, तो ग्रेविटेशन SHM इसको साथ में कर लेगा, क्योंकि उसमें भी एग्जाम सब आ रहा है, तो 10th के जो थे उसमें बच्चे वो लोग अभी नहीं कर रहे हैं। 10th के 3 थे उसमें, जो अभी 10th में वो लोग, 11th उन लोग का भी खत्म हो गया है आर बैच वाले में। 3 बच्चे ऐसे थे जो 10th अभी कर रहे हैं, वो लोग 11th पढ़ रहे थे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, तो 11th के तो जो है उन लोग का हो जाएगा, उन लोग का बाद में होगा फिर। ठीक है, फिर देखते हैं। तो हम लोग रोटेशनल मोशन कर रहे थे, और इसमें प्योर रोलिंग के डिफरेंट डिफरेंट केसेस चल रहे थे। फिर लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वही क्वेश्चंस ही देखते हैं, अलग अलग तरह के। मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, जो सरफेस जो है वो स्मूथ है, और इस पे एक ऐसा प्लैंक रखा हुआ है। प्लैंक पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, और इसके ऊपर एक ऐसा सिलेंडर रखती है, ठीक है, ये जो है सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, मास इसका m, रेडियस r मान लेते हैं। प्लैंक का मास इसका कैपिटल m दे रखा है, ये स्मॉल m। फिर बोल रहा है कि ये जो सरफेस है ये सफिशियंट है फॉर प्योर रोलिंग। यानी कि फ्रिक्शन जो है इन दोनों सरफेस के बीच में, सॉलिड सिलेंडर और प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो सफिशियंट है प्योर क्रॉलिंग के लिए। ये जो फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। हमसे पूछ रहा है फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ, मतलब प्लैंक एंड सिलेंडर। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले रियलाइज करो होगा क्या, रियल लाइफ में अगर ऐसा होता तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता, फिर आगे का कहानी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान दो तो प्लैंक को अगर हम आगे खींचेंगे तो सॉलिड सिलेंडर किधर बढ़ेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बोलो राइट साइड ही बढ़ेगा, क्यों? सब फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा उस पर। आगे लगेगा तो उसका टॉर्क किधर प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की वजह से वो कैसा रोटेट होना चाहिए। सब पीछे ठीक है, तो हम
नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो क्या करते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन मान के अपना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ट्राई करोगे एक बार, करो फिर देखते हैं। सर ट्राई कर। हो गया। इतना तो बेसिक है कि फोर्सेस जो लग रहा है इस पे, एफ तो फ्रिक्शन फोर्स, सिलेंडर का इस प्लैंक को रोकने का कोशिश करेगा तो उस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिलेंडर पे लगेगा। तो ऐसा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने बता दिया, ये जो है फ्रिक्शन है। अगर हम इस पे बैठ के देखें, यानी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक अगर देख रहे हैं, तो हमको मान लेते हैं कि इधर किसी एक्सेलरेशन A1 से जा रहा है, तो ये हमको इधर किसी एक्सेलरेशन A2 से जाता हुआ दिखेगा। A2 किधर भी हो सकता है, हम पीछे मान रहे हैं। ठीक है, आगे डायरेक्शन भी ले सकते हैं, पीछे डायरेक्शन भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हम जनरली यही देखते हैं कि अगर कोई भी बॉल रखा होता है या कोई भी बॉक्स स्लाइड करता है तो हमको लगता है पीछे जा रहा है, इसलिए हम इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ ले रही है और कोई रीजन नहीं है। और क्या छूट रहा है बताओ। सो टॉर्क अल्फा। टॉर्क तो अल्फा है, तो ऐसे जा रहा होगा, ये अल्फा मान लेते हैं। कि अगर हम इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ये एक्सेलरेशन, अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक माने हैं तो हमको एक चीज लगाना अनिवार्य लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा लगता है, क्या लगता है, याद है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। तो A2 को अगर हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिए हैं जो खुद एक्सेलरेटेड है, यानी को कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि हमको यहाँ पे एक इधर की तरफ A1 फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्या है, तो सूडो फोर्स। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में अगर A2 लिखे होते तो हम सूडो फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, अभी इतना चीज हमको दिख रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, पहला स्टेप यही होता है, कभी भी क्वेश्चन मिले तो एनालाइज करना माइंड में कि क्या सिचुएशन होगा। अब जैसा हम एनालाइज किए उसके अकॉर्डिंग सारे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसके बाद नेक्स्ट काम होता है इक्वेशंस लिखना। तो इक्वेशन अब लिखते हैं कि करके,
हमको फॉर प्लैंक अगर बात करें, प्लैंक के लिए, तो प्लैंक पे फोर्सेस दिख रहा है आगे की तरफ एफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो जाएगा हमारा एम इंटू सिलेंडर के लिए अगर लिखेंगे तो सिलेंडर पे अगर हम लिनियर इक्वेशन लिख रहे हैं अभी, तो हमको दिख रहा है कि एम ए वन माइनस एफ इजकल टू एम ए टू के बराबर होगा, दिख रहा है। अगर किसी को ऐसा हो कि हम ए टू को विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक ना लेकर अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लेते कि ये जो ए टू है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसलिए यहाँ ध्यान से देखो, ये ए टू जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेट से ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमको इस पे इधर फ्रिक्शन एफ लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो हम कोई इतना दिख रहा है। अब ये जो है ए वन से आगे जा रहा है और वो ए टू, तो ए टू और ए वन में हमको फिर रिलेटिव वेलोसिटी से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। कैसे? तो यहां से अगर हम एफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ए डैश लिखते हैं, नहीं तो दो बार कंफ्यूजन आएगा। माइनस एफ इजकल टू एम ए डैश, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो ए डैश जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। यानी कि हमको यहाँ से दिख रहा है कि ए डैश जो कि एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर हम लिखे हैं वो आ जा रहा है हमारा सीपी प्लस, ठीक है। तो ये सब रिलेटिव का फंडा है, इतना अगर बता रहे हैं तो ए सी पी जो है, हम यहाँ से ध्यान से देखो तो ए सी पी लिखेंगे तो ए सी यानी ए टू माइनस ए वन हमारा आराम से आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इस ए डेस को हम ए टू ए वन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि अगर कभी भी सूडो फोर्स लगा रहे हैं तो वहां जो फ्रेम होना चाहिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, तब हम सूडो फोर्स लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं ले रहे हैं तो हम डायरेक्टली रिलेटिव का सहायता लेंगे। ये दो इक्वेशन, इसमें अननोन कितने हैं, तो ए वन ए टू और एफ, तीन अननोन है, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन और चाहिए होगा, कहां से आएगा बताओ। सर वो रिलेट ए इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू ए टू माइनस अल्फा आर। यहाँ पे इधर की तरफ ये अल्फा है, ये इधर जा रहा है ए टू से, ये जिस प्लैंक पे है ये प्लैंक जा रहा है इधर ए वन से। तो इस पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इधर अल्फा आ रहेगा और इधर ए टू आएगा, यही आएगा। तो यस सर, यहां से अगर प्योर रोलिंग है तो कंडीशन क्या आएगा, ध्यान से सोच के बताना। सो अल्फा आर माइनस ए टू इज इक्वल टू ए वन। यहाँ ए टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, इसलिए बोल रहे हैं सोच के बताओ। पहले जो हम लोग लिखते थे उसमें ए क्या लिखते थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, अच्छा एक चीज छोड़ो ये बताओ, अगर हम बोले कि इसका एक्सेलरेशन ये ए डैश है, यानी कि ये एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इजकल टू ए डैश बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो है ए टू है, और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो है वो ए वन दिख रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तुम अपने से, तो ए डैश को क्या लिख सकते हो,
ए टू ए वन की टर्म में, खुद से सोच के बोलो। ए डेस माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू, ए डेस इक्वल टू कितना आ रहा है? सो ए डेस आ रहा है सो ए टू प्लस ए वन। डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस ए वन आएगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखते हैं तो। यस सर, ठीक है, यहाँ पे हम साइन जो हम भी हम डायरेक्शन इक्वेशन में लिए हैं उसके हिसाब से अगर लिखे तो हमको ये आ रहा है, ये आ रहा है। यस ठीक है, तो प्योर रोलिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो प्योर रोलिंग के लिए हमारा अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लिखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते थे, यानी कि ए डैश हम मान लेते हैं कि ए डैश प्लस अल्फा आर का वैल्यू ये कितने के बराबर होना चाहिए, ए वन के, यानी कि माइनस ए टू प्लस ए वन प्लस अल्फा आर इजकल टू ए वन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं इधर की तरफ, तो ए वन, ए वन कैंसिल हो गया तो यहां से हमको दिख रहा है अल्फा आर इजकल टू ए टू। ठीक है, ये चीज आ रहा है। यहाँ पे एक चीज नोट करके माइंड में ध्यान से रखो कि अगर हम जो है यहाँ प्लैंक के रिस्पेक्ट में, प्लैंक पे बैठ के ही जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो क्या हमको प्लैंक रेस्ट में नजर आ रहा था? आ रहा था। यस अगर हम प्लैंक रेस्ट में नजर आ रहा था यानी कि हम ये वाला डायरेक्टली लिख सकते थे, बोलो यस ये पॉइंट का जो है जीरो होने के लिए ए टू इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा तो रेस्ट पे दिखेगा हमको, क्योंकि हम ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो कहां से कर रहे थे, प्लैंक पे बैठ के, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में अगर लिख रहे हैं तो अल्फा आर इक्वल टू ए टू लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना कहानी सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं, बाकी हम चाहते तो डायरेक्टली यही लाइन लिखते हैं। आगे से अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्टली यही लाइन लिखेंगे, इतना कहानी हम कहने नहीं जा रहे, क्योंकि हम प्लैंक के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो पॉइंट जो है रेस्ट में होने के लिए ए टू अल्फा आर के बराबर होना चाहिए। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते थे तब बोलते थे कि दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, लेकिन अब हम उसके रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं तो रेस्ट पे, तो भी रेस्ट पे ही होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है नीचे वाले पॉइंट का तो ऊपर वाला पॉइंट का भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब अगर रोटेशनल इक्वेशन लिखे तो लिख लेते हैं रोटेशनल। तो रोटेशनल यहां से ध्यान से देखो तो ये फोर्स फ्रिक्शन जो है वही टॉर्क अप्लाई कर सकता है, तो यहां से ध्यान से दिख रहा है कि एफ इंटू आर जो है ये टॉर्क है और इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। सॉलिड सिलेंडर के लिए आई कितना होता है? 2/5 mR² सॉलिड सिलेंडर, सर, mR² by 2। सॉलिड सिलेंडर डिस्क के बराबर यस सर, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमको इक्वेशन मिल जा रहा है एफ इजकल टू एम आर अल्फा बाई टू इक्वेशन फोर। ठीक है, फोर का जरूरत पड़ेगा ही क्योंकि ऊपर देखो तीन इक्वेशंस थे ए टू के लिए जब हमने लिखा तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन अल्फा बढ़ गया, चार अननोन हो गए, चार अननोन हो गए तो एक इक्वेशन और चाहिए था। ठीक है, तो चार इक्वेशन, चार अननोन, चार इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस सॉल्व करके बताओ। ठीक है, हमारे पास एक बार तुम एनालाइज कर लिए तो उसको सॉल्व करने के लिए हजारों रास्ते हैं तुम्हारे पास, तुम बेसिक से जाते हो, एडवांस लगाते हो, क्या लगा यूज करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, तो उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इतना कहानी का जरूरत नहीं था, डायरेक्टली हम ये इक्वेशन लिख सकते थे क्योंकि हम जो देख रहे हो कहाँ से देख रहे हैं, प्लैंक पे बैठ के देख रहे हैं।
लेकिन दोनों मेथड बता दिए कि कभी अगर क्वेश्चन में आए तो सारे हथियार पास होने चाहिए। हाँ गया सॉल्व करके A1 A2। किसी और ना सॉल्व करो जल्दी, मेरा तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तुम लोग तो कॉपी पे लिख रहे होगे तो दिख रहा होगा। आ गया सबका इतना? बोलो भी, इतना स्लो स्लो कैलकुलेशन करोगे? हेलो, सर आवाज आ रहा। बोल रहे हो? बन गया? सो वो फिर से कॉपी में लिख रहा हूँ। यहाँ पे यस एक सर। चीज, यहाँ पे एक गलती, अगर इस मेथड से जाते हैं तो बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए ये बात भी ध्यान रखना है। ये तो सही है कि ये एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक आया, लेकिन ये जो A2 आया है वो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर बोला है, नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से जो हमने एडेस निकाला है उससे हमने फाइंड कर ली, ठीक है? यानी कि और ये आंसर होगा, ऑप्शन में वो भी हमको मिलेगा, तो गलती नहीं करना है। अब ये बता दिए, बाकी सब क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, ठीक है? जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, अगर लेट करोगे तो ये जो है मासलेस पुली है, इसको बोला जा रहा है कि इधर हम फोर्स एक लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स,
ये जो है सिलेंडर ही है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, मास स्मॉल एम आर, इसका मास जो है कैपिटल एम है। फाइंड वही एक्सेलरेशन दोनों का फाइंड करना है। स्वरूप स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है, सेंटर से कनेक्टेड है? हाँ, इसका सेंटर पे कनेक्टेड है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस रस्सी आ गया है। होमवर्क दे दे, कर लोगे? यस ठीक है, एक्सेलरेशन ध्यान दो कि चूंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इधर A1 से जा रहा है तो ये इधर A2 से जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्म हाँ आंसर आएगा तुमको ये आएगा। ठीक है, यानी कि इतना आ रहा है। कोशिश करना, यस सेम सेम चीज है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। यहाँ पे 0.5 kg का ब्लॉक है, एक यहाँ सॉलिड सिलेंडर है ये, जिसके ऊपर ये रस्सी जो है लिपट रहा है। ओमेगा नॉट जो है इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका मास जो है सॉलिड सिलेंडर का दे रखा है 2 kg एंड रेडियस है 0.2 मीटर। फाइंड टेंशन, एट एनी टाइम ओमेगा कितना होगा? एट एनी टाइम ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। कैलकुलेट डिस्टेंस ठीक है। बोल रहा है कि एक तो पहला टेंशन फाइंड करना है, दूसरा बोलना है कि किसी टाइम पे अगर ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड है तो उस समय से लेकर जब तक ये रेस्ट पे आता है तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
सर टेंशन 5/2 न्यूटन। सो फ्रिक्शन ही ना, नहीं फ्रिक्शन नहीं है। बोल रहा है कि ये चलते चलते रेस्ट पे आ जा रहा है, यानी कि इसका ओमेगा जो है घट रहा होगा। यानी कि ये जो इधर की तरफ जाने का टेंडेंसी रख रहा होगा, ऐसे इधर भी मान लो तुम्हारे ऊपर ऊपर की तरफ चल रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी डीएक्सेलरेट होता हुआ जा रहा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन हम नीचे की तरफ मान सकते हैं। आया कुछ? सर एक सेकेंड, सर मास कितना है उसका? जी एक का है 0.5 और एक 2 kg। सर 25/15, 5/3। 5/3, हाँ शायद 1.6 आ जा रहा है ना। 5/3, 1.6 आ तो जा रहा है। आंसर 1.63 दे रखा है, चेक कर लो। ठीक है चलो, ये हम थीटा यहाँ पे लिए हैं, वैल्यू बाद में पुट करते रहेंगे। ये जो है ऐसा चल रहा है, बोल रहा है कि चलते चलते रुक जाएगा, मतलब कि इसका इधर से ओमेगा था, ओमेगा इधर की तरफ था, तो ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है, स्लो होते होते रुकेगा, ये भी डीएक्सेलरेट हो रहा है। भले ही ऊपर जाता हुआ हमको इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी मिले, लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट। तो हम जो मान लिए सो मान लिए, इतना मान लिए, हो सकता है हम माने हैं तो गलत भी हो तो निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन हमको क्वेश्चन के हिसाब से ही लग रहा है कि ये जो है सिलेंडर का रस्सी धीरे धीरे लिपट रहा है, तो ये ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जाके रुक जा रहा है, यानी कि इसके वेट के कारण पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, टुवर्ड्स द इंक्लाइंट। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट को देखें, तो रस्सी के एक्सेलरेशन और अल्फा आर से, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा अल्फा आर के बराबर होगा। ये तो इक्वेशन हमको यहीं से दिख रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट से। ठीक है, यहाँ पे प्योर रोलिंग का हम टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई रोल, सिर्फ वो रोटेट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन रस्सी का जो एंड है, ये एंड जितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा वो ए ही होगा, और वो अल्फा आर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम पहला इक्वेशन लिख ली। अगर आप ब्लॉक के लिए लिखें, तो ब्लॉक के लिए हमको दिख रहा है एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन मान्य है, तो हम यही इक्वेशन लिखेंगे। फिर अगर हम बोल रहे हैं कि पुली के लिए,
पुली के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी इंटू आर इजकल टू आई अल्फा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से रोटेट हो रहा होगा, ये आर होगा 90 डिग्री पे लग रहा है, टी आर उस पर टॉर्क लग रहा है, आई अल्फा के बराबर होता है, आई जो होगा एम आर स्क्वायर बाई टू होगा इंटू अल्फा, अल्फा को हम लिख सकते हैं ए बाई आर। तो यहां से हमको दिख रहा है कि टी इजकल टू एम ए बाई टू, ठीक है सर। डिस्टेंस 1.2 मीटर, डिस्टेंस डिस्टेंस का कुछ नहीं दिया है, देखते हैं, ठीक है, इतना बात क्लियर है, इक्वेशंस लिखे हैं बस। यहां से वन और सर डिस्टेंस का मेरा कुछ और है सर, डिस्टेंस में 12 पाई आर, देख लेते हैं कितना आता है। अगर ये हमको दिख रहा है कि इक्वेशन अगर हम बोल रहे हैं टू और थर्ड, तो टू और थर्ड को जोड़ देते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, टू और थर्ड को जोड़ देते हैं तो टू प्लस थर्ड अगर हम करते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको मिल जाएगा एम जी साइन थीटा टू बाई टू एम प्लस एम, यही आ रहा है। यस ठीक है, सारा वैल्यू अगर पुट करोगे तो ध्यान से देख रहे हैं तो 0.5 है, तो हो गया 5, 2 कैंसिल, नीचे हो गया 1 प्लस 5 बाई 1.2, 50 बाई 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो टेंशन अगर लिखोगे तो टेंशन यहाँ पे एम ए है, किसी भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो, एम है 0.2 बाई 2 इंटू 12, तो मेरा और कुछ आ जा रहा है, कैलकुलेशन यही आ रहा है 50 बाई 12, सो 5 बाई 3 आया मेरा ए वैल्यू, पुट कर लो ना 0.5 और अच्छा 2 kg है, हम 0.2 ले लिए हैं सॉरी, ठीक है, तो ऊपर तो आ जा रहा है 5, नीचे आ रहा है 1 plus 2 3, 5/3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा देव, यस सर, ठीक है, तुम्हारे टेंशन 5/3 आया था कैसे सर? एक्सेलरेशन, टेंशन भी यही है। अच्छा एक्सेलरेशन टेंशन ना फाइंड करना था, फिर रुकिए देखे नहीं, टेंशन शायद नहीं फाइंड किया है। अच्छा टेंशन भी उतना ही आ जा रहा है वैसे, क्योंकि कैपिटल एम मास का 2 दे रखा है, 2/2 इंटू 5/3 रखेंगे तो टेंशन भी 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तो ठीक है। तो देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में सिचुएशन एनालाइज करना, रिवर्ट डायग्राम बनाना, इक्वेशंस लिखना, सॉल्व करना, यही प्रोसेस है। सेकंड कह रहा है हमारा कि किसी मोमेंट पे जो है ओमेगा जो दे रखा है वो 10 रेडियन पर सेकंड दे रखा है और वो फिर जीरो हो जाता है, उतने देर में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये हमको बताना है। जैसे कि ये अगर ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है, उतने देर में ये जो ब्लॉक है ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा यही हमको बताना है, ठीक है। yes, तो यहाँ ओमेगा इतना है, कितने देर में वो रेस्ट में आएगा हम निकाल सकते हैं, yes, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन हमारा 5/3 है तो अल्फा हम लिख सकते हैं ए बाई आर, आर जो है 0.2 है, यानी कि 5/3 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा 25/3, अल्फा आ गया तो टाइम निकाल सकते हैं 1.2 मीटर आ गया, 1.2 दो लोगों का आ रहा है तो हो सकता है,
टाइम कितना आ गया सर? 6/5 सर, डायरेक्ट निकाल सकते ना वो इक्वेशन यूज करके, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू s। हाँ वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से जो भी मेथड यूज करो, तो उसके बाद तो लिनियर मेथड है, यहाँ से टाइम फाइंड कर सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी होता है, ठीक है। ओमेगा तो जीरो है, ओमेगा नॉट 10 है, अल्फा ये माइनस में आएगा, तो टी इज इक्वल टू आ जा रहा है 10/25/3 यानी 30/25 सेकेंड। ये आ गया, तो यहां से अभी इसमें निकाल सकते हो। दूसरा मेथड ये भी कर सकते हो कि ओमेगा दे रखा है, ये कनेक्टेड है, तो इस समय इसका वेलोसिटी जो होगा ये ओमेगा इंटू आर होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी हमको पता है वी इजकल टू आर ओमेगा। आर है 0.2 × 10 यानी कि 2 m/s। फाइनल जो है वेलोसिटी ये जीरो हो जा रहा है। एक्सेलरेशन हमको पता है 5/3, तो s बराबर हम लिख सकते हैं v² - c² / 2a। v जीरो है, u जो है 4 हो गया, 2 × एक्सेलरेशन माइनस में है, तो -5/3, ठीक है। तो ये आसानी से आ गया, ये 6/5 आ जा रहा है, ठीक है। ये लंबा पड़ा, ये शॉर्टकट पड़ा, ठीक है। तो वही चीज है, हम जा क्वेश्चंस कर सकते हैं किसी भी रास्ते से, डिपेंड करता है कि अगर हमको हथियार पता हो यूज करना और हमारे पास अवेलेबल हो तो ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर तलवार बाजी जानते हैं लेकिन हम तीर धनुष लेके मैदान में पहुंचे हैं लड़ाई करने, क्या करेंगे? इसलिए सब कुछ आना चाहिए। सर हाँ, अगर हम लोग ये सोचे कि जितना सिलेंडर घुमा है उतना ही रस्सी उस पे गोल गोल घुमा है, तो हाँ, सिलेंडर का हम लोग को ओमेगा पता है, सिलेंडर का हम लोग को अल्फा भी पता है, हाँ, तो सिलेंडर का जब आंसर निकालेंगे तो उसमें तो आंसर में पाई आ जाएगा सर, आर थीटा भी तो हो जाएगा। ये सर आंसर में पाई इंक्लूड हो जाएगा, तो उसका पाई का वैल्यू भी तो पड़ता है 3.14 होता है, 22/7 पाई होता है ना। यस सर, पाई साइड इंक्लूड नहीं होगा। अब मान थीटा घुमा तो, हाँ तो थीटा को पाई के टर्म में रखोगे तो, नहीं तो मान लेते हैं कि लास्ट में पाई बच भी जाता है, तो लेट से पाई आर बाई 5 या 6 जो भी आंसर बचा, तो पाई क्या है 22/7 ही तो है, ठीक है। तो भी पुट करेंगे तो उतना ही आएगा कैलकुलेशन करने। सर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना रेडियन में, अगर थीटा दिया हुआ है तो सर, अगर उसको को हम लोग आर थीटा लिखते हैं हाँ, तो सर उसमें पाई का इंक्लूड कहाँ से हुआ? अच्छा रेडियन जो आया वो क्या चीज में लिख रहे हो? सर वो तो रेडियन में ही है, वो तो इंटीजर फॉर्म है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर कितना चला वो पता चला, यस सर, ठीक है। जैसे कि अगर ये सर्कल है, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये एंगल हमको थीटा रेडियन में आएगा, ये यस हम सर, अगर इस रस्सी का लेंथ फाइंड करेंगे तो आर थीटा लिखेंगे ना, यस सर, सर तो तो पाई का हमको तो लेंथ, कहाँ? तो थीटा क्या चीज में आएगा तुम्हारा आंसर? सर वो तो वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। अगर 90 degree आया तो उसको क्या लिखोगे? सब पाई बाई टू वो क्या आया? सर यहाँ आया पे ये सर, लेकिन ये जो आंसर था उसमें 6 आया था, ठीक था, आर से इनटू करने पे 1/2 आ गया। अब कैंसल हो जा रहा है या जो भी हो रहा है वो अलग बात है, मतलब बोला जा रहा है कि अगर आए तो क्या कर सकते हैं।
यस ठीक है, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें जो जनरल क्वेश्चन होते हैं हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा है, यानी कि फ्रिक्शन जो है सफिशियंट होना चाहिए। फ्रिक्शन सफिशियंट फॉर प्योर रोलिंग, यानी कि हमारा प्योर रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे हम एक गोलाकार शेप का ऑब्जेक्ट रख दिए, और डिस्क हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है। तो इसलिए हम इसका मास जो ले रहे हैं वो एम ले रहे हैं, रेडियस आर ले रहे हैं, एंड आई इजकल टू एम के स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, के की टर्म में, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में हम ले रहे हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी नहीं कहो, कि कहो कि यहाँ कोई भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, आई इजकल टू एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन तो कुछ और हो जाता था। यहाँ पे के जो है ये ऐसा है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाई टू आता था। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर बाई टू को के बोल रहे हैं, ये के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। ठीक है, आर स्क्वायर बाई सम कॉन्स्टेंट ऐसा कुछ है, यानी कि हम टोटली को हम बोल रहे हैं कि एक कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, यानी आई हम एम के स्क्वायर के टर्म में लिख रहे हैं, बस लिखने का हो गया, जनरलाइज हम लिख रहे हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ और था, के टर्म यूज है, तो बहुतों को लगता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है डगर के नीचे आएगा और वो प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, ये जो हमारा है ये फिक्स्ड है, यानी कि ये अभी मूव नहीं कर रहा है, नहीं जहां भी रखा हुआ है ये फिक्स्ड, इसको मूव हमको नहीं कराना है। तो क्या होगा, यानी कि मेनली हमको इसमें एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो कितने देर में नीचे आएगा, कितने वेलोसिटी से आएगा, सब कुछ हम लोग बता सकते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे पहले तो यही हम लगाएंगे कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशन mg sin of थीटा लग रहा होगा, नीचे आ रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, फ्रिक्शन है, यानी कि फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। नॉर्मल और mg cos थीटा हम नहीं बना रहे क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है। मान लेते हैं कि नीचे किसी एक्सेलरेशन ए से आ रहा है और अल्फा से रोटेट होता हुआ आ रहा है। अगर प्योर रोलिंग है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा। प्योर रोलिंग अगर कहा जा रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू अल्फा आर होगा। ये हम पहले इक्वेशन लिख के रखेंगे। अगेन हमको दिख रहा है कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ इजकल टू एम ऑफ ए दिख रहा है। इक्वेशन अननोन कितने हैं, एक दो तीन, yes, एक और चाहिए होगा। क्या कहां से लाएंगे, रोटेशन से। रोटेशन से हमको क्या दिख रहा है, एफ इंटू आर इजकल टू आई ऑफ अल्फा। आई को हम क्या लिख दे रहे हैं, एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, स्मॉल एम है तो स्मॉल एम है। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए का वैल्यू चाहिए। जल्दी से सॉल्व करके बताओ।
ना आ रहा है क्या सबका? ठीक है, तीन इक्वेशन है, अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया के बाई आर है, उसके बाद सिंपली सॉल्व किए हैं। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी का ऐसा हो जो नहीं आया हो। देखो यहाँ से अल्फा है तो अल्फा इजकल टू ए बाई आर, तो ए बाई आर पुट कर दिए, इसको यहाँ से हमने ऐसा लिखा है, ठीक है, तो यहां से हमको ये इक्वेशन मिला। अब टू और थर्ड को जोड़ दें तो फ्रिक्शन का वैल्यू कट जा रहा है, वैसा आ रहा है। क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन कितना है ये पूछे तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पे सवाल क्या आते हैं तो जरा ध्यान से, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिंग है, यस सर, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, फिर डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस ऑर्डर में क्यों लिखे हैं ये बात समझ में आ जाएगा। सबका सबसे पहले आई बताओ, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक करके, रिंग का क्या होता है? सेम मास सेम रेडियस, एम आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर का बोलो, 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर, सर आवाज कट रहा है आपका, बोल रहे हैं हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर, ठीक है। हॉलो स्फीयर सर 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर, हॉलो 2/3 था ना, हॉल सॉलिड स्फीयर का था 2/5 एम आर स्क्वायर, तुम से बोल रहे हो जो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू, ये भी एम आर स्क्वायर बाई, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू बोल रहे हैं एक्स, एक्स क्या है तो ऊपर क्या वैल्यू आया है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आया है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हम उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका कंपेयर करेंगे किस पे एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा किस पे कम। तो क्या यहाँ पे वन आएगा, यहाँ भी वन, यहाँ 2/3, यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ 2/5, यही लगेगा। हेलो, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि अगर हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? सब बढ़ रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे, जी साइन थीटा, थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बच गया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नीचे वाला वैल्यू अगर बढ़ेगा, यानी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बढ़ेगा, यानी नीचे वाला वैल्यू अगर बढ़ा तो एक्सेलरेशन घटेगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर हम एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं तो ये 2/3 जो होता है 0.67 आता है, ये 0.5 है, और ये जो है 0.4 है। हम इस ऑर्डर में इसीलिए लिखे थे क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू जो है वो घट रहा है, यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो है डिक्रीजिंग है।
अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन बढ़ रहा। एक्सेलरेशन इधर सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, यानी कि सेम मास सेम रेडियस का एक रिंग और एक सॉलिड स्फेयर अगर हम लुढ़काएंगे तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा? सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो बताओ, सॉलिड स्फीयर का सॉलिड स्फेयर का ज्यादा रहेगा। यहाँ पे हम सबको कंपेयर करके बोल रहे हैं, एग्जाम में एक या दो चीज का कंपेयर करके बोलेगा, बोलेगा कि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर हम लुढ़का दिए, बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, किसका रहेगा? सॉलिड स्फीयर का डिस्क और सॉलिड सिलेंडर बोल रहे हैं, सेम रहेगा। अच्छा सेम सेम रहेगा। रहेगा, यानी कि यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज और ये दोनों चीज दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। हम लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं इंक्रीजिंग है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर ऐसा पूछे कि अगर हम सेम हाइट से यानी सेम लेंथ से लुढ़का रहे हैं तो कौन सबसे पहले नीचे आएगा? सॉलिड स्फीयर। बोलो टाइम। सबसे पहले कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर। सेम डिस्टेंस की बात हो रहा है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं, कंडीशन क्या होगा? रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि अगर हम पहले वेलोसिटी दे देंगे तो कहानी कुछ और हो जाएगा। रेस्ट से छोड़े हैं तो जिसका, जैसे कि अगर हम बात करें एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अगर रेस्ट से छोड़े हैं, सेम डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, तो यहां से हमको दिख रहा है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का रूट, यानी कि एक्सेलरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो कम समय लगाएगा, यानी कि टाइम जो है सॉलिड स्फीयर का सबसे कम लगेगा। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का इसके बाद आएगा, फिर टाइम फॉर हॉलो स्फेयर आएगा, फिर हॉलो सिलेंडर और वो डिस रिंग आपस में बराबर होंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी बता सकते हो? सो सेम सो पॉइंट कैसा वेलोसिटी सर वहां पहुंचने पे जिसका ज्यादा वेलोसिटी लिनियर, वो हाँ लिनियर वेलोसिटी। सर सेम ही चलेगा सेम ऑर्डर। सेम आएगा कैसे? यस सेम ऑर्डर सर क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा सर ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा तो सर ज्यादा और टाइम सबके लिए सेम है तो सर ज्यादा एक्सेलरेशन टाइम सेम है तो सर वेलोसिटी ज्यादा होगा। रिलेशन से बताओ। अगर वेलोसिटी सब सबके लिए टाइम डिस्टेंस एक्सेलरेशन तुमको पता है, मान के चलो कि उसका रिलेशन पता है, वैसे ही वेरिएशन टाइम इन सब से रिलेशन निकालो। अगर सबके लिए डिस्टेंस सेम है और एक्सेलरेशन हाँ सबका डिफरेंट है तो सर अगर हम लोग हाँ उसे कंपेयर करें तो जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उसका ज्यादा वेलोसिटी होगा। ये लिख लेते हैं, ये लिखते हैं ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू यस सर एस। ठीक है, यस सर यू तो हम मान के चल रहे हैं जीरो है,
एस जो है फिक्स्ड है, तो वी यहां से आ रहा है कि प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट अंडर ए, ठीक है। यानी कि अगर जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा हो। यानी कि यही ऑर्डर फॉलो कर रहा है। यस ये फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन उसका है। नहीं, सर, लेकिन उल्टा है, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा ना। इसमें क्या था, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका था, सॉलिड स्फीयर का सबसे एक्सेलरेशन की बात करे थे तो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा था, ठीक है। यस सर। और कम रिंग का था जो कि हॉलो सिलेंडर के बराबर था, ही था। तो ये एक्सेलरेशन वाला ही पार्ट करेगा ना, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर ग्रेटर देन जो भी आएगा वेलोसिटी ऑफ रिंग, ठीक है। हम चार्ज ऐसा लिख से ऐसा कंपेयर कर सकते थे। सबके लिए टाइम तो डिफरेंट है, लिख लो और एस बराबर, नहीं भी बराबर यू प्लस एटी लिखते। यस सर। यू प्लस एटी, यू चलो जीरो है तो एटी लिख लेते। यस सर। टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए आया था, यस सर। तो यहां से भी क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू रूट ए ही आ रहा है, यस सर। ठीक है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नहीं ना आया था, अंडर रूट ए आया था, ठीक है। अगर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आता तो ये कैंसल आउट हो जाता और वी कांस्टेंट रह जाता, यस ठीक है। तो इस पर डायरेक्टली जो है हमको रिलेट करने के लिए पूछा जाता है। ऐसे ही हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा, तो वहां ध्यान रहे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी कंसिडर करके हम लोग चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस है रफ है और ये जो सरफेस है स्मूथ है, नहीं फ्रिक्शन नहीं है। इस बॉल को हम यहां से प्योर रोलिंग कराते हुए हम भेज रहे हैं, ये भी सेम कंडीशन है, यानी प्योर रोलिंग से हम इसको लुढका दिए, ठीक है। दोनों सेम सरफेस है, सेम जैसे जो हमारा ओरिएंटेशन होता है ये सारा कुछ सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, फर्स्ट सरफेस रफ है, सेकंड सरफेस स्मूथ। मान लेते हैं कि ये जो इतने हाइट पे जाता है, मैक्सिमम हाइट जो है इसका एच वन है, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो एच टू है, क्लियर है। यानी कि एच वन एच टू जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड है, हाइट अटेंड इन ईच केस। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि देन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, एच वन ग्रेटर देन एच टू, एच वन लेस देन एच टू, एच वन इक्वल टू एच टू, फोर्थ None of this। So option second option। Sir, first option। And why? ऐसे तो सब बारी बारी से बोल दो कौन कौन सा है, ठीक है, एक एक करके बोलो कौन सा ऑप्शन होगा क्यों होगा। So, second option इसलिए होगा क्योंकि जब वो फर्स्ट किसी में रोल करते हुए जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्ट में होगा, लीनियरली भी होगा और
रोटेशनली होगा, तो अगर तो फिर उससे क्या होगा? सर जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा तो सर वो जो लीनियर का लीनियर एनर्जी होगा जो हाइट होगा उसको कम कर देगा पोटेंशियल। अभी जैसे कि अभी भी यहाँ पे अगर हम भेज रहे हैं तो इसके पास दोनों है, रोटेशनल और काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ और आगे क्या कह रहे हो? अगर रोटेशनल होगा तो सर वो जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी उसको कम कर देगा सेकंड के कंपैरिजन में। एक मिनट फाइन। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ 10 मिनट भेज देने क्लास में नहीं। हाँ हेलो। यस ठीक है, सोचे सही हो लेकिन आंसर गलत है। देव तुम्हारा सर 1 होगा शायद। शायद क्यों? सर पहला बार में जब वो घूमने लगेगा और ऊपर जाएगा तो नीचे ग्रेविटेशन mg साइन थीटा लगेगा, तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करेगा, पर दूसरा केस में उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है तो स्लिप करने लगेगा वहां पे। ठीक है, दोनों का सोचना सही था, ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा, H1 greater than H2 होगा। तुम्हारा भी सोचना सही था लेकिन थोड़ा सा और अगर काइनेटिक एनर्जी में सोचोगे तो वही आंसर आएगा जो अभी हम टिक लगाए। इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन किससे कैंसिल हो जाएगा? उतना ज्यादा सोच रहे हो इसलिए दिक्कत आ रहा है। देखो जैसे कि दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। पहला मेथड जो है जो देव बोला उस मेथड से जाते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। यहाँ पे अगर हम इसको बॉल को फेंके, जब यहाँ पे आ रहा है तो ऐसा अगर ये रोटेट हो रहा है, ऐसा अगर ये रोटेट हो रहा है तो इस केस में फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर हम रोटेशन की बात करें तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ठीक है। सेकेंड केस में सिर्फ एमजी ही नीचे लग रहा है, ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो अगर दिख रहा है कि इसमें एक सपोर्टिंग यानी कि H1 को बढ़ाने के लिए या एमजी के इफेक्ट को घटाने के लिए एक फोर्स एक्स्ट्रा हमको नजर आ रहा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा फोर्स नजर आ रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि H1 जो होगा ग्रेटर देन H2 होगा, ठीक है। यस सर। दूसरा मेथड टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी घट रहा होगा लेकिन ये यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी कम होगा। वही चीज से हम यहाँ भी बता सकते हैं कि जब ये ब्लॉक यहाँ आया, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी भी जीरो हो चुका रहेगा, ओमेगा भी जीरो हो चुका रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसके ओमेगा को घटा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है डिक्रीजेस ओमेगा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सेकेंड केस में अगर हम जा रहे हैं तो जब हाईएस्ट पहुंच, हाँ सब प्योर रोलिंग में ओमेगा कैसे घटेगा? हाँ फोर्स है, फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो फिर आएगा ना, भी घटेगा, भी घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा,
ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी घटते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी ओमेगा को घटाने वाला कोई फोर्स नहीं है, एमजी एंड नॉर्मल सिर्फ लग रहे थे जो सेंटर से होंगे, तो यहाँ पे इसके पास ओमेगा जो है वी नॉट बाई आर अभी भी होगा, बरकरार होगा, लेकिन वी यहाँ पे जीरो हो चुका होगा। ठीक है, तो काइनेटिक इनर्जी से जाते हैं, तो इसका इनिशियल काइनेटिक इनर्जी और यहाँ का अगर हम एनर्जी की बात करें तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहां से अगर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम जी एच वन, और यहाँ पे अगर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यहाँ पे एम जी साथ में काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो भी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो एच वन जो है हमको ग्रेटर देन एच टू नजर आ रहा है, क्योंकि इनिशियल वाला दोनों तो सेम था। यस सर, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, सेम था, तो एम जी एच वन जो है एम जी एच टू प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि यहाँ पे सिर्फ रोटेशनल वाला है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो एम जी एच टू है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में बदला है। क्लियर है? यस सर। तो दोनों मेथड तुम भी सोचे सही थे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। यानी दोनों मेथड से हम सोच सकते हैं, एनर्जी मेथड और फोर्स मेथड। और ऐसा बढ़िया भी है कि अगर इतने लोग बैठे हो, जितने ज्यादा मेथड सोचो उतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो बहुत काम का चीज होता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करने के वहां से चार पांच मेथड पता चलते हैं, जो कि तुम लोग कभी करते नहीं हो। सॉलिड स्फीयर है, इस 10 मीटर के हाइट से हम छोड़ दे रहे हैं, ये जो बोल रहा है सरफेस जो है फ्रिक्शन सफिशियंट है फॉर प्योर रोलिंग। जब यहाँ पे आके मूव करने लग रहा है प्योर रोलिंग, तो वी कितना होगा, ओमेगा तुमको पता है, वी बाई आर आएगा। यानी ये हॉरिजेंटल सरफेस हो गया है 10 मीटर के बाद। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रिक्शन जो है सफिशियंट है, यानी कि प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग का केस है, तो बोल सकते हैं ई इनिशियल जो होगा ई फाइनल के बराबर होगा, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, लिख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर एक सेकंड, सर अंडर रूट 1000 बाय 18। बाईस सर 7 आया मेरा, अंडर रूट 1000/7। सेवन ये इक्वेशन है, इसको अब कैलकुलेशन करना है, जो भी आंसर आ जाए। आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, भी यहां से फाइंड कर लेना है। यस।
ठीक। इसके बाद हम लोग का दो टॉपिक और बच गया है, एक तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और टॉपलिंग। तो मुश्किल से लेक्चर लगेगा, कल देखते हैं कल जितना होगा, नहीं तो फिर संडे या संडे को या मंडे को क्लास लगा खत्म। से एथिज्म कब से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक सर मंडे को ही? देखते हैं, पहले तुम लोग का खत्म हो जाएगा तब भी। खत्म हो जाएगा तो सोच रहे हैं क्लास रखेंगे जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, उसके यस बाद सर, वेडनेसडे को क्वेश्चन डिस्कशन की ना सारा हो जाएगा ठीक है, देखते वेडनेसडे हैं। तक। ठीक है, तो उस दिन बाकी क्लास नहीं रखा के तुम लोग कहीं सिर्फ रख देंगे डिस्कशन के लिए। यस सर। ठीक है फिर। सर हाँ 11 का खत्म होने में और कितना महीना लगेगा? महीना वो क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर क्लास डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का चार पांच क्लास लगा तो 2 महीने खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो सोच रहे हैं कि दोनों मिक्स हो जाएगा। अच्छा एक चीज और पूछना था, 3 बजे से सब फ्री हो? है तो सर, लेकिन अतुल सर कभी कभी एक्सटेंड करते थे। ठीक है, तो उनसे बात कर लेंगे, मतलब है तो जिस दिन रहेगा उस दिन, उनका तो कभी यस कभी क्लास रहता है तभी ना, डेली रहता है। सर नहीं, वो एक दिन अल्टरनेट रहता। हाँ तो वैसा ही करके, जैसे यस सर तब हो अगर सकता। मान लेते हैं कि सबका खाली हो तो 3 बजे से सोच रहे थे 4:50 तक है, तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म होगा हम लोग का। यस बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, अंशिका, विवेक। नो सर 3 बजे तक स्कूल रहता है। अच्छा, और किसी का रहता है? सब बोलोगे तभी जैसा जो अकॉर्डिंग बैठेगा, नहीं तो फिर इसी में 6 दिन क्लास चलेगा और क्या, इसी टाइम पे। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा। यस सर।